अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में टॉपिक स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या है और हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो ऑसिलेटिंग बॉडी होगी या कोई मैस होगा उसकी मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक हो चुकी है, ये भी हमने शो करना है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, वी कंसीडर ए मैस एम अटैच्ड टू द वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट एंड द स्प्रिंग इज कैपेबल टू ऑसिलेट ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या है? हमारे पास एक मैस एम होगा जो अटैच होगा एक ऐसे स्प्रिंग से जिस स्प्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है और दूसरे एंड पे उस पे अटैच होगा मैस एम, और ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है एक टेबल पे जो टेबल फ्रिक्शन लेस है। तो इस सूरत में जो सिस्टम बनेगा वो फिर सिस्टम हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम कहलाएगा। तो स्टूडेंट आपके सामने डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्प्रिंग है। इस तरह से एक ही सिंगल स्प्रिंग है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है एक टेबल पर और इस एंड से रिजिड सपोर्ट है जहां से टाइट है, और ये ब्लैक पोर्शन को आप समझ सकते हैं कि ये मैस एम क्या है इसके साथ अटैच। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, व्हेन वी डिस्प्लेस द मैस एम फ्रॉम मीन पोजिशन and then release it move about mean position so that its motion is simple harmonic motion। हम इसमें सबसे पहले शो करेंगे कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन हमने कंसिडरेशन के मुताबिक ये बात कही। फिगर ए को देखें, ये आपके पास ए है, ये बी और ये सी। सबसे पहले फिगर ए को देख लें, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, प्लेस्ड है, मैस एम है, ये स्प्रिंग के एक एंड से अटैच है जबकि दूसरा एंड अटैच्ड है इस पॉइंट से, और ये पॉइंट क्या है? रिजिड सपोर्ट। अब मैंने बात ये कही कि जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं मैस एम को फ्रॉम मीन पोजीशन और फिर रिलीज करता हूं, मतलब कि फ्रीली इसको छोड़ देता हूं, इट मूव अबाउट मीन पोजीशन, तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मूव करता है, सो दैट इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये अपनी मीन पॉइंट से टू एंड फ्रो उस पे यू मूव करेगा। अब अगर इसकी मोशन यू है तो हम अपनी फिगर्स के मुताबिक देख लेते हैं। डायग्राम में देखें कि ये मैस एम है, इसको मैंने फोर्स एफ अप्लाई की, तो डायग्राम बी में देखें जब ये फोर्स एफ इस पे अप्लाई हुई तो इसने मीन पोजीशन ओ से ए तक थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट की, और वो डिस्प्लेसमेंट आपको शो है कितने किसके बराबर है, एक्स के। पॉइंट ए पे लेके जब मैं इसको रिलीज करता हूं, मतलब ये के फ्री छोड़ देता हूं, तो इस सूरत में ये ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन के अबाउट। इसका ये मतलब कि ये ओ से ए तक तो अप्लाइड फोर्स पे लेके गए, जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये ए से ओ पे जाएगा, ओ से ए पे प्राइम पे जाएगा, फिर ए प्राइम से ओ पे, फिर ओ से ए पे, और ये कंटिन्यू रहेगा, ये साइकिल आपके पास चलता रहेगा, रिपीट करेगा ये अपनी मोशन। तो इस सूरत में देखें कि सारी जो मोशन है वो अबाउट ए है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो क्या अभी तक हमने इस बात को साबित किया है? नहीं किया। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी की अगर ऑसिलेटिंग बॉडी की मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के,
और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी तो रिलेशन आपके पास नेगेटिव में आता था। तो देखते हैं इस बात को, वी अप्लाइड फोर्स एफ टू डिस्प्लेस द मास एम थ्रू डिस्टेंस एक्स। फिगर ए पे दोबारा से बात करते हैं, ये मीन पोजीशन पे ओ पे थी, मीन पोजीशन है, मैंने एफ फोर्स अप्लाई की, इसको ओ से ए पर लेकर गया हूं इस जगह पे, जब इसको लेकर गया हूं तो इसने ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट की है और उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, एक्स है। तो इस सूरत में जो अप्लाइड फोर्स होगी, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, मैं मैग्नीट्यूडनल फॉर्म ले रहा हूं, फोर्स बराबर हो गई एफ इज इक्वल टू एम ए। अब फिगर बी की तरफ जाते हैं, ए का काम हो गया, ये ए से बी पे पहुंच गया, यहां पे मैस पहुंच चुका है। अब जब इसको पॉइंट बी से मैं रिलीज कर देता हूं, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब मैं इसको रिलीज करता हूं तो ये मीन पोजीशन के अबाउट मूव करेगी, तो बी के मुताबिक जब मैं इसको रिलीज करता हूं तो रिलीज करने के बाद ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की जानिब जाएगी। तो इस सूरत में ये बी से पॉइंट बी को देखें इस फिगर बी में कि पॉइंट ए पे ये मौजूद है, अब ये ए से ओ पर जाएगी, किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह। तो हुक्स लॉ के मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अकॉर्डिंग टू रिलेशन जितनी अप्लाइड फोर्स होगी, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग क्योंकि फ्रिक्शनलेस सिस्टम है, इस सूरत में अप्लाइड और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स होंगे। अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं इक्वेशन टू को और वन को देखें, दोनों एफ है, फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो इस सूरत में हम रिस्टोरिंग के लिए आप हुक्स लॉ के मुताबिक सबस्क्रिप्ट में आर भी लिख सकते हैं। कंपेयर कर दें इक्वेशन वन और टू को, तो इस सूरत में एफ इज इक्वल टू एम ए था, तो एफ एम ए इज इक्वल टू, और एफ ऑफ आर रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स के था, तो माइनस के एक्स आ जाएगा। हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का रिजल्ट आपके पास आएगा ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम इनटू एक्स। अब के और एम ड्यूरिंग मोशन, जब मैं इसको ए से बी तक लेकर गया तो इस सूरत में ना ये मास m चेंज हुआ है, इसका ये मतलब कि m की वैल्यू भी कांस्टेंट। जब मैंने इसको रिलीज कर दिया तो जितना स्प्रिंग कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स के वक्त था उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स के वक्त होगा, मतलब ये हुआ इस बात का कि k भी आपके पास कांस्टेंट है, तो k ओवर m इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी रेशियो भी दोनों की कांस्टेंट होगी, तो रिजल्ट आपके पास k ओवर m भी क्या आ गया, कांस्टेंट। तो a इज इक्वल टू माइनस वैल्यू k ओवर m की जगह कांस्टेंट इनटू x, और इस सूरत में जब इज इक्वल टू और कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस x के, और ये रिलेशन शो करता है अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स के, इट्स मीन के हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो मोशन सिंपल हार्मोनिक है। तो फर्स्ट में हमने शो कर दिया कि मोशन इसकी सिंपल हार्मोनिक है। यहां तक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के है तो इस सूरत में इस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इन चीजों को अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन से साबित हो गया कि दिस रिलेशन शो दैट मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। वी नो दैट स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग देख चुके हैं कि एक्सीलरेशन बराबर थी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स के, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ चुके हैं। तो इस सूरत में इक्वेशन 4 को देखें और इक्वेशन 3 को देखें, दोनों एक्सीलरेशंस हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन है। तो इस सूरत में इक्वेशन 3 और 4 को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। हमने मालूम क्या करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट देखते हैं इक्वेशन 3 की वैल्यूज बराबर आ जाएगी इक्वेशन 4 के, क्यों? क्योंकि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, हमने क्या इसे हासिल किया, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट, इसे भी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स और एक्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास इक्वेशन में रिजल्ट क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। मैंने यहां पे दोनों इक्वेशंस को इंटरचेंज कर दिया, के ओवर एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, आपके पास रिजल्ट आ रहा था, मैंने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम लिख दिया। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी सी बात है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई भी टर्म हो वो हम स्क्वायर फॉर्म में नहीं कैलकुलेट करते, उसकी लीनियर फॉर्म लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओमेगा आपके पास बाकी बच जाएगा इज इक्वल टू के ओवर एम, के ओवर एम का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास किसकी, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की। अब हम देखते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। द टाइम पीरियड ऑफ ए मास हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा होता है, तो टाइम पीरियड ओमेगा। अब ओमेगा क्या थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं कि ओमेगा बराबर है के ओवर एम स्क्वायर रूट के, तो इस सूरत में ओमेगा की जगह आप वैल्यू को पुट करें के ओवर एम होल स्क्वायर रूट, 2 पाई नॉमिनेटर में है, ये 1 ओवर के ओवर एम होल स्क्वायर रूट बन जाए। तो इस सूरत में जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसकी इन्वर्टेड फॉर्म आएगी इक्वेशन, आपके पास मल्टीप्लिकेशन जब डिवीजन में चेंज होती है तो हम वैल्यू को का इनवर्स ले लेते हैं, तो 2 पाई बराबर हो जाएगा एम ओवर के स्क्वायर रूट के, तो ये आपके पास इसका टाइम पीरियड आ गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का आ गया। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मालूम करें, we know that frequency is the reciprocal of time period, हम जानते हैं कि frequency reciprocal है time period का, तो 1 over t आपके पास frequency के बराबर है, 1 over t, तो t बराबर है 2 pi over omega, तो 1 over t आ जाएगा omega over 2 pi, omega over 2 pi, omega की value आपके पास है k ओवर m स्क्वायर रूट, यहां पे पुट करें तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड
इस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो इस बात का मतलब यह है कि ओ से ए तक जब ये बॉडी ऑसिलेट कर रही थी तो किसी भी पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं इस जगह पर किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट हो, लेकिन वो इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही के दरमियान में कहीं पे पॉइंट होगा। ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में। तो इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा अभी आपने कैलकुलेट किया k ओवर m होल स्क्वायर रूट, यहां पे पुट करें तो आपके पास x इज इक्वल टू x नॉट साइन k ओवर m इनटू t। t आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी, t वो वैल्यू है कि जिस टाइम पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और इस वक्त हम इसको रिलेट किसके साथ करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ। आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब देखते हैं कि ओ से ए तक इसकी वेलोसिटी इस पूरे पाथ के दौरान, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, तो वो अब हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ मास परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला भी हमारे पास पहले से कैलकुलेटेड है, ये भी हम लास्ट लेक्चर्स में कैलकुलेट कर चुके हैं जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। तो v बराबर आया ओमेगा इनटू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं k ओवर m इनटू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x नॉट एम्पलीट्यूड है आपके पास, तो यहां पे हम जो दोनों वैल्यूज क्योंकि स्क्वायर रूट में है, एक ही स्क्वायर रूट हम इसके लिए यूज करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि k ओवर m, यहां से आपने कॉमन ले लिया एम्पलीट्यूड, x नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ गया यहां पे 1 बाकी रह जाएगा माइनस x स्क्वायर, यहां पे x नॉट क्योंकि मौजूद नहीं था तो वो x नॉट स्क्वायर यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि ये अब दोनों क्वांटिटीज k ओवर m डॉट x नॉट स्क्वायर इनटू ये दोनों क्वांटिटीज अगर आप देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें से हमारे पास x नॉट स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x नॉट आ जाएगा बाहर और बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे रह जाएगी। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास इस पूरी मोशन के दौरान ओ से ए और फिर ए प्राइम तक इन सारे पॉइंट्स पे मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी और मिनिमम वेलोसिटी कब होगी। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। व्हेन द मास एट मीन पोजीशन दैट इज x इज इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी विल बिकम मैक्सिमम। जब मास आपके पास मीन पोजीशन पे होगा मतलब के ओ पे, तो इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में रेफरेंस पॉइंट कौन सा कंसीडर हम करते हैं? हमेशा मीन पोजीशन, क्योंकि ये है ही मीन पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो इस सूरत में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ऑसिलेटिंग बॉडी की ड्यूरिंग ऑसिलेशन। अब इसकी मैथमेटिक्स देख लें, v इज इक्वल टू x नॉट इनटू k ओवर m 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू पुट की है आपने 0, 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर। 0 को किसी चीज से भी डिवाइड कर लें दोबारा आंसर 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 दोबारा 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो v इज इक्वल टू x नॉट k ओवर m, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, जबकि k ओवर m स्क्वायर रूट किसके बराबर था? ओमेगा के। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं v मैक्सिमम इज इक्वल टू x नॉट इनटू ओमेगा।
अब मिनिमम वेलोसिटी कब होगी? जब यही ऑसिलेटिंग बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा ए पे या ए प्राइम पे, इन दोनों पॉइंट्स पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, क्योंकि इसने एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद वापस रिवर्स आना है, क्योंकि वहां पे ये थोड़ी देर रुकेगा तभी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इसी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से थोड़ी देर के लिए इसको रुकना पड़ता है, तो इसकी वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है या मिनिमम होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स के हम बात तो कर रहे हैं, क्या इसका मैथमेटिकल भी प्रूफ है? तो मैथमेटिकली देखते हैं। व्हेन द मास एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू x नॉट, इट्स वेलोसिटी विल बी मिनिमम। तो इस सूरत में वेलोसिटी इसकी मिनिमम होगी। v इज इक्वल टू x नॉट k ओवर m 1 माइनस x स्क्वायर, फार्मूले में था x स्क्वायर, क्योंकि एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि वो एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, और एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? एक्स नॉट के। एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर, कैंसिल होके 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया, एक्स नॉट इनटू 0, और जब एक्स नॉट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास वेलोसिटी भी इसकी 0 आ जाएगी।